शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान को इन दिनों लोग जमकर बायकॉट कर रहे हैं। जब से पठान मूवी का बेशरम रंग सॉन्ग आया है तब से पठान मूवी हैशटैग बायकॉट ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस गाने पर हिंदुओं के भगवा को असंवेदनशील परिस्थिति में दिखाया गया है। तब से लोगों का इस पर गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा है। शाहरुख खान की मूवी को सभी लोगों ने रिलीज न होने की मांग कर रहे हैं। पठान मूवी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आप एक बार देख लीजिए। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। और दोस्तों, एमपी के सीएम ने इस पर क्या कहा है, ये भी आप देख लीजिए। कार्यक्रम में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। दोस्तों, इसी तरह के सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।